सिंगरौली में पुलिस ने एक वर्ष पूर्व लापता हुई युवती की गुत्थी सुलझा दी है। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर उन पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। बैनन पुलिस को एनसीएल बाउंड्री विलौंजी में लाश दफन किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां से मृतक युवती सपना के कपड़े, मोबाइल और चप्पल बरामद किए। पुलिस ने घटना में शामिल संस्कार जायसवाल सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि इस घटना में शामिल आरोपियों के खुलासे के बाद कोतवाली प्रभारी अरुण पांडे ने तहसीलदार के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि मृत का सपना जायसवाल एवं मुख्य आरोपी संस्कार जायसवाल के बीच नाजायज संबंध थे। इस बीच युवती गर्भवती हो गई और उसने युवक पर शादी करने का दबाव बनाया था। लड़की शादी नहीं करने पर आरोपी को छेड़खानी में फंसाने की धमकी देने लगी थी, जिसके चलते युवती का गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसे तीन बाल अपराधियों की मदद से दफना दिया गया। दिनांक 29/6/2019 को सपना जायसवाल, जो कि मूलतः ग्राम सखुआ थाना माड़ा की रहने वाली थी, रात्रि में अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। सपना जाने के पहले अपने बच्चे को अपनी रिश्ते की बुआ के घर में सुला गई थी और 10 बजे रात्रि के बाद गायब हुई थी। सुबह जब उसकी बुआ उसके घर पर गई तो घर पर नहीं थी, घर पर ताला बंद होना पाई। तब उसके पति से बात की और पति ने थाना बैठन में आकर के तस समय सपना के गुमशुदगी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से उसकी पता तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी, उसकी पता तलाश के हर संभव प्रयास किए गए थे। इसी बीच उक्त गुमनसान की जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि चार व्यक्तियों द्वारा सपना को मार करके उसकी हत्या कर दी गई है तथा उसकी लाश को एनसीएल बाउंड्री बिलौंजी में गाड़ दिया गया है। इस सूचना पर धीरेन सेन और उसके तीन अपचारी साथियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और जाँच पड़ताल की गई, जिस पर यह पाया गया कि नाबालिग परिवर्तित नाम निर्भय जायसवाल से सपना का प्रेम संबंध चलता था और प्रेम संबंध होने के कारण दोनों के आपसी बहुत गहरे रिश्ते बन गए थे और सपना अपने पति को छोड़ करके नाबालिग जो निर्भय है उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, नहीं तो उसके ऊपर प्रकरण दर्ज कराने की बात भी कर रही थी। इस बात से जो उसका प्रेमी था उसने अपने तीन साथियों को के साथ मिलकर के हत्या की योजना बना करके रात्रि में एनसीएल बाउंड्री बिलौंजी में उसको ले गया तथा सभी ने मिलकर उसकी हत्या करके उसकी लाश को गाड़ दिया था। 29 जून के उससे गायब था, फिर हम वहाँ थाना में कर ली, थाना के बाद दैनिक भास्कर में गई ली, कई दिन वहाँ जा देख ली तब वो से सुनाई नहीं हुआ, फिर यहाँ थाना में 56 दिन बैठ ली, आ जाके 56 दिन गई ली। फिर एक बाद यहाँ से इकरा सरोज मैडम कहें कि मिलवा न करी ऐसे करे जा। एक बात का भल के जब नहीं कहो हमरे के भल तो गई बिलौंजी एसपी साहब थे वहाँ जाके सूचना दे ली। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।